हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो? होप करता हूँ सारा न्यू अच्छे हो गए। सो गाइस, सर आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं, अगर आपने यहाँ पे परचेस कर लिया है इन्फिनिक्स हॉट 12 और गाइस यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके फ़ोन में जो पिन या पैटर्न या पासवर्ड गाइस आपके में लग चुका है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप इसे अनलॉक करना चाहते हो, आप चाहते हो भाई मेरा जो फ़ोन है फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाए, इसमें कोई भी मेरा पैसा खर्च ना हो, तो वीडियो को पूरा वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ भाई को सपोर्ट कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब वेलकम प्रेस कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आपको यहाँ पे पैटर्न अनलॉक हो जाता तो मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं होता तो जो आपका मन करे वो करना, मैं आपका पैटर्न यहाँ से 100% अनलॉक करा दूंगा। वीडियो को पूरा वॉच करना ठीक है। सिंपल से यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने फ़ोन को सबसे पहले पावर ऑफ कर देंगे। आपका जैसे ही मैं यहाँ पे अपने पावर ऑफ फोन को करूँगा, पावर ऑफ करने के बाद आपका फ़ोन यहाँ पे पावर हो जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ की प्रेस करनी होगी, बट अगर यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी टेंशन नहीं लेनी है कि आप लोग ना ये बोलते हो भाई इंटरफेस सेम नहीं आ रहा, देखो अभी यहाँ पे मेरे पावर ऑफ करने का इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है और आपके फ़ोन में हो सकता है कि बिल्कुल ही ऊपर वहाँ पे आपको एक टैप करना पड़े, वहाँ से आपका फ़ोन पावर ऑफ हो जाए। तो सर आपको पावर ऑफ कर लेना है सिंपल सा गाइस। और कोई सा भी अगर आपके पास इन्फिनिक्स का फ़ोन है, चाहे उसकी जो वॉल्यूम अप डाउन है लेफ्ट या राइट है, या गाइस उसके किधर भी साइड अप डाउन हो, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, पावर की और वॉल्यूम डाउन की आपको एक साथ प्रेस करनी है, सॉरी पावर की और वॉल्यूम अप की आपको एक साथ प्रेस करनी है। फिर रिपीट कर देता हूँ, पावर की या वॉल्यूम अप की हमें एक साथ प्रेस करनी है। जैसे जैसे यहाँ पर हम एक साथ प्रेस कर देंगे, प्रेस करने के बाद गैस हमारा जो फ़ोन है इंटरफेस का जो थोड़ा सा चेंज हो के आएगा। देखो मेरा जैसे ही फ़ोन ओपन हुआ, ओपन होने के तुरंत बाद गैस मैंने यहाँ पर क्या किया, अपनी पावर की छोड़ दी, क्योंकि गैस हमारा जो पावर की काम होता है सिर्फ फ़ोन को ऑन करना, बाकी हमारी बूट की पर लेके आना होता है वॉल्यूम अप की का काम। आपका जैसे ही आएगा तो वहाँ पर मुझे इस तरह से की प्रेस करनी होगी। की प्रेस करने के बाद मुझे वॉल्यूम डाउन किसे नीचे की तरफ लेके आना है, यहाँ पर लिखा होगा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। आपका जैसे यहाँ पे मैं लेके आऊँगा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे जो इंटरफेस है क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। वहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर दूंगा कुछ गाइस, देखो मैं भी नीचे की तरफ लेके आता हूँ उसे वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पर, जस्ट गाइस मुझे नीचे लेने के बाद यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आपको फैक्ट्री डाटा रीसेट और पावर की, फिर मुझे यहाँ पे प्रेस कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे पावर की प्रेस कर दूंगा तो मेरा जो फोन है पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। अब मैं कैसे आपको लाइव दिखाता अभी, देखो वाइपिंग फॉर्मेटिंग यहाँ पे गाइस कंप्लीट हो चुका है, यानी हो रहा है। अब गाइस ये मेरा फोन ऐसे कंप्लीट फॉर्मेट हो चुका। अब मुझे यहाँ पे गाइस क्या करना है, ऊपर मिल जाएगा आपको रिबूट सिस्टम नाउ, आपको जस्ट यहाँ पर रिबूट सिस्टम नाउ पर क्लिक कर देना ठीक है गाइस। अब मैं जैसे क्लिक कर दूंगा रिबूट सिस्टम बना तो मेरा फ़ोन एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद गाइस इस तरह का यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा ठीक है। आपका फ़ोन यहाँ पर लगभग हो सकता है 5-10 मिनट ले सकता है इन्फिनिक्स लोगो हैंग ठीक है, बट आपको घबराना नहीं है, ये फ़ोन फॉर्मेट होने के बाद थोड़ा टाइम लेता है उन्होंने में। आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी कि भाई हमारा जो फ़ोन है ओपन नहीं हो रहा कि हैंग हो गया है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी। अगर आपके फ़ोन में बैटरी कम है तो उसे चार्जिंग पर लगा देना है। अब बस यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट का बटन मिलेगा, स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने में सेलेक्ट योर कंट्री, यानी आप कौन से देश के हो, मैं इंडिया का हूँ, अगर आप बांग्लादेश कहीं के जहाँ के भी हो आप वहाँ पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक कर देना है। अब जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद और इंटरफेस एक और आएगा यहाँ पे। हाँ वैसे आपको स्किप भी कर सकते हो, अगर सेम डाल रहा सेम भी डाल सकते हो, जो आप इंटरनेट यूज करना चाहते हो। अगर आप किसी की वाईफाई कनेक्ट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको वाईफाई कनेक्ट नहीं करनी है तो आप आराम से यहाँ पर क्लिक कर सकते हो स्किप पर। अब जैसे मैं यहाँ पे स्किप पर क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पे वाईफाई वगैरह मांग रहा तो यहाँ पे मैं वाईफाई ले लेता हूँ किसी की भी, और आपके में ईमेल आईडी पासवर्ड मांगेगा तो वाईफाई आपको कनेक्ट कर लेनी है वहाँ पे ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, बट अगर देखो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मैं नेक्स्ट करते जाऊँगा तो जो आपका फ़ोन है हो सकता है कि वहाँ लिखा हो वेरीफाई योर अकाउंट, यानी वहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा हो, आपका फ़ोन वहाँ पे जाके रुक सकता है, क्योंकि मेरे फ़ोन में कोई अंदर ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो मेरा फ़ोन यहाँ पर हो सकता है कि नहीं मांगे। बट आपका फ़ोन अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने के बाद अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर रहे हो, फॉर्मेट करने के बाद अगर आप जैसे मैं यहाँ पर करते जा रहा हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट, आप इसी तरह से अपने फ़ोन में नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाओगे तो आपके फ़ोन एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वेरीफाई योर अकाउंट मांगे। इसका मतलब ऐसे ये होता है जैसे अपना फ़ोन न्यू ले आता है, न्यू लेते टाइम गाइस आपने अपने प्ले स्टोर पर एक ईमेल आईडी बनाई होगी, वो ईमेल आईडी पासवर्ड वहाँ पर डाल देना, बाकी गाइस आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, वरना गाइस आपका फ़ोन वहाँ से अनलॉक नहीं होगा। आप किसी भी भाई की ईमेल आईडी वहाँ पर डालोगे तो वो वहाँ पर काम नहीं करेगी, आपको वही ईमेल आईडी डालनी जो आपने अपने फ़ोन में डाली थी। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको यूट्यूब पर जाना, वहाँ पर सर्च करना है इन्फिनिक्स हॉट वायर एफ आर बाईपास, तो गाइस आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब लोगों ने